Hey what's up guys, welcome back again video and guys इस वीडियो में को बताने वाला हूँ कैसे आप मूडी ब्लू कलर टोन लेकर आ सकते हो फोटो में। सो गाइज जो आपको स्क्रीन फोटो दिख रही है इसमें जो कलर टोन है काफ़ी अमेजिंग है। बैकग्राउंड आपको एकदम मूडी ब्लू दिख रहा है गाइस, ठीक है। जो मॉडल ने कपड़े वेयर कर रखे हैं एंड जो हेयर में शाइन आ रही है उसमें भी मूडी ब्लू कलर टोन दिख रहा है, जिससे फोटो काफ़ी अमेजिंग थी। और गाइज आज मैं आपको इस तरह की फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, तो गाइज ठीक है, तो इसलिए वीडियो पूरा लास्ट में देखिए। और गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए सबसे पहले, एंड उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड गाइज अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर। सो या गाइज विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। ऑलराइट सो गाइज यहाँ पर मैं स्नैपसीड की ऐप के अंदर आ चुका हूँ गाइज, ठीक है। तो आपको स्नैपसीड की ऐप ओपन करनी है, उसके बाद अपनी फोटो को ऐड करना है स्नैपसीड की ऐप के अंदर गाइज, ठीक है। तो स्नैपसीड की ऐप के बारे में आपको बताइए हो, अपने स्मार्ट हो गया आप स्नैपसीड चलाते होंगे गाइज, ठीक है। तो स्नैपसीड की ऐप के अंदर आपको क्या करना है, अपनी फोटो को ऐड करना है, उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है इस पेंसिल वाले आइकन पर एंड यहाँ से जाना ऊपर टून इमेज पे गाइस, ठीक है। टून इमेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल करना है गाइस, ठीक है। फोटो के ऊपर यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना आपको थोड़ा, ठीक है, प्लस कर देना एंड यहाँ से नीचे सैचुरेशन पे जाना, सैचुरेशन पे लेकर आना एंड किस सैचुरेशन को पूरा -100 कर लेना, जिससे कि फोटो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सैचुरेशन एकदम -100 कर लिया, उसका सिंपली आपको करना है यहाँ पे जो एम्बियंस है एम्बियंस पे जाना है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एम्बियंस को थोड़ा सा माइनस से करूँगा, ठीक है। तो एम्बियंस में माइनस कर ले, इतना करने के बाद आपको सिंपली टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही टिक वाले ऑप्शन क्लिक करोगे यहाँ पे फोटो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना, ऊपर इस ऑप्शन पर क्लिक करना ऊपर, ठीक है, एंड नीचे आपको व्यू एडिट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ से टून इमेज पर क्लिक करना आपको एंड ड्रॉ पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको इस इन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी एंड यहाँ पे नीचे आपको टून इमेज 0 दिख रहा है, ठीक है। तो फोटो में जूम करना है सीरीज, ठीक है, एंड स्किन में आपको ड्रॉ करना है फिर। तो यहाँ पे स्किन में ड्रॉ करूँगा तो मैं अपनी स्किन वापस लेकर आने गया, ठीक है। तो केवल आपको स्किन में ही ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मैं कंप्लीट स्किन में ही ड्रॉ करूँगा गाइस, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया स्क्रीन में गाइस, ठीक है। स्क्रीन में ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली टिक वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और जैसे टिक वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे उसके बाद आपको बैक जाना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम आ चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और इसको सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करना है गाइस, ठीक है, एंड यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डबल एक्सपोजर का, ठीक है। तो डबल एक्सपोजर पर क्लिक करना आपको एंड यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, इस प्लस वाले, ठीक है, इस पर क्लिक करना आपको एंड यहाँ से अपनी गैलरी से एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना गाइस, ठीक है, यानी इस ब्लू वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना गाइस, ठीक है, यानी कि इस PNG को सिलेक्ट करना गाइस, ठीक है, इस इमेज को सिलेक्ट करना गाइस। गाइस इस इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस इमेज को इस तरीके से सेट कर लीजिए फोटो के ऊपर एंड यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इस ऑप्शन में क्लिक करना है एंड इसको थोड़ा सा माइनस कर लीजिए इस तरीके से एंड उसको सिंपली आपको इस सेकेंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना गाइस, ठीक है, एंड यहाँ से आपको डार्क केन पे क्लिक करना है, ठीक है। डार्क केन पे क्लिक करोगे तो गाइस देख लीजिए फोटो में मूडी ब्लू कलर टोन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए फेस में भी कलर टोन आ रहा है। तो फेस में कलर टोन हटाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सेम करना है जो हमने पहले किया था, इस ऑप्शन में क्लिक करना है, एडिट्स पे आना है एंड ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए डबल एक्सपोजर पे एंड ड्रॉ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड उसको इन्वर्ट पर क्लिक कर लीजिए एंड फिर क्या करना आपको बताइए, यहाँ पर फेस में ड्रॉ करना है जो कलर है उसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको ड्रॉ करना है फेस में इस तरीके से और यहाँ पे कंप्लीट हम क्या करेंगे, फेस से इस कलर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आपको पूरा स्किन में इस तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉ करूँगा मैं, तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए मेरा कंप्लीट स्किन में ड्रॉ कर लिया गया, यानी पूरी स्किन वापस आ चुके हैं। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस फोटो को सेव करने के बाद इस फोटो को आपको लाइटरूम की ऐप के अंदर लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस फोटो को सेव कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, नहीं सेव कर लिया, ठीक है। ये फोटो हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे सिंपली अपने लाइटरूम की ऐप के अंदर, मैं लाइटरूम की ऐप के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको लाइटरूम की ऐप ओपन करनी है, उसके बाद जो स्नैपसीड से फोटो ऐड करी थी उसको लाइटरूम की ऐप के अंदर शेयर करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इस ऑटो वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। इससे फोटो में जो कलर है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे
एंड उसके बाद सिंपली स्क्रॉल करना है नीचे, आपको कलर का ऑप्शन मिले क्लिक करना इस पर एंड यहाँ पे वाइब्रेंस को इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, तो वाइब्रेंस मैंने इंक्रीज कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको ऊपर इस मिक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फेस में जो कलर है उसको थोड़ा ब्राइट करना है। ठीक है, फेस ब्राइट करना है तो सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे ऑरेंज क्लिक करना है इस पर एंड उसका सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर लीजिए इस तरीके से एंड ल्यूमिनस को प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देख लीजिए फेस ब्राइट हो चुका, तो हमें फेस ब्राइट करना इस तरीके से। ठीक है, तो फेस ब्राइट कर लिया मैंने इस तरीके से एंड उसके बाद सिंपली हमें जाना इस शियान कलर पर। ठीक है, तो शियान कलर पर क्लिक करेंगे एंड ह्यू को प्लस कर देंगे। ठीक है, ह्यू थोड़ा प्लस कर दूँगा इस तरीके से एंड सैचुरेशन को हम देखेंगे कम ज़्यादा करके, सैचुरेशन में थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ल्यूमिनस को भी थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, एंड उसके बाद सिंपली हम जाएंगे इस ब्लू कलर पे एंड इसका भी ह्यू थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, एंड सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड ल्यूमिनस को थोड़ा सा क्या करेंगे प्लस कर देंगे एंड उसके बाद सिंपली हमें डन वाले ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली हमें जाना है इस ऑप्शन पे स्क्वायर पे। ठीक है, टेक्सचर थोड़ी सी बढ़ा देंगे फोटो में एंड क्लियरिटी भी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो क्लियरिटी मैंने बढ़ा दी 45 के आसपास। ठीक है, 44 कर लिया मैंने क्लियरिटी। DH को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, एंड बिगिनेट को माइनस करना है यहाँ पर। ठीक है, तो मिड माइनस कर लिया, मिड पॉइंट को आपको करना है थोड़ा सा माइनस करना है। ठीक है, फर्दर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद सिंपली हमें जाना है इस ट्राइंगल के ऑप्शन पे, शार्पनिंग थोड़ी सी बढ़ा दीजिए एंड मास्किंग को भी बढ़ा दीजिए इतनी। ठीक है, एंड न्यूज रिडक्शन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए एंड नीचे कलर न्यूज रिडक्शन इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए एंड गाइस दैट्स इट। यहाँ पे गाइस फोटो एडिट हो चुकी है। ठीक है, मूडी ब्लू कलर टोन में गाइस, ठीक है, काफ़ी अमेजिंग कलर टोन है बिफोर एंड आफ्टर यानी जो स्नैपसीड में एडिट करती है ये गाइस। ठीक है, एंड लाइट में कलर ग्रेडिंग करने के बाद फोटो बन चुकी है जो काफ़ी अमेजिंग दिख रही है। ठीक है, एकदम शार्प हो चुकी है फोटो और काफ़ी क्वालिटी वाइज फोटो लग रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कलर टोन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने स्टेप बताया उससे फॉलो कीजिए, उसके बाद आप भी इस फोटो एडिट कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलता हमको अगली एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ निक टेक्निकल।